नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा सत्र में हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक हुआ पारित। हरियाणा राज्य में नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का 75% नियोजन तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। हरियाणा में स्थानीय कंपनियों में विभिन्न कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट लिमिटेड, देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए निजी रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक विधेयक हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावित किया। हरियाणा राज्य में नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का 75% नियोजन तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु वीरवार को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या, विशेषतः कम वेतन पर कार्यरत रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धावश स्थानीय आधारित संरचना, मूलभूत ढांचे व आवास संबंधी सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और मलिन बस्तियों का प्रसार करती है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित समस्याओं को बढ़ावा मिलता है, जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने और आजीविका की गुणवत्ता का प्रभावित करता है तथा शारीरिक और शहरीकरण की उच्च गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए कम वेतन वाली नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण रूप से वांछनीय है और ऐसी कोई भी प्राथमिकता आम जनता के हित में हो वही सरकार करेगी। यह विधेयक जनता के हित में बड़े पैमाने पर हरियाणा के सभी निजी नियोक्ताओं को स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल सिद्ध होगा। यह विधेयक योग्य या प्रतिष्ठित स्थानीय कार्यबल श्रमिक कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से निजी नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करेगा। स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कार्यबल श्रमिक कर्मचारियों की उपलब्धता से उद्योग की दक्षता में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्यबल श्रमिक कर्मचारी किसी भी औद्योगिक संगठन, कारखाने के विकास के प्रमुख घटकों में से एक है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा। हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट लिमिटेड, देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में स्थानीय उम्मीदवारों को कम से कम 75% रोजगार प्रदान करना और जहां योग्य या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है वहां स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण, अन्य कौशल प्रदान करने योग्य बनाना इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।